आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज मैं आपके साथ मैंगो स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल आम सीजन में है, इसलिए हम ये केक बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 पके हुए आम लिए हैं। आम हमें ठंडे नहीं लेने हैं। 2 कप हम मैदा लेंगे, लगभग 1/4 कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे, 1 कप से थोड़ा कम है, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/4 कप दूध, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, चुटकी भर नमक लिया है, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यूज करेंगे और चुटकी भरी हम येलो फूड कलर लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा केक का। 1 छोटा चम्मच हम विनेगर यूज करेंगे। सबसे पहले आम को हम छिल लेंगे और उसके पीसेस निकाल लेंगे। इसको एक ब्लेंडर में डाल देंगे और साथ में चीनी डालकर इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसको हमने ब्लेंड कर लिया है और ये पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, बढ़िया एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। इधर हमने केक बनाने के लिए एक टिन लिया है, ये मेरे पास राउंड शेप में टिन है। इसको हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। टिन को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे जिससे केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा और नीचे इसके सरफेस में हम बटर पेपर लगा देंगे जिससे नीचे वाला जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ निकल कर आएगा और आसानी से केक डीमोल्ड हो जाएगा। इस तरह हम टिन तैयार करके एक साइड रख लेंगे। अब आम के मिक्सचर में हम ऑयल डाल देंगे और साथ ही इसमें हम 1 छोटा चम्मच विनेगर डालेंगे। और येलो फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालकर कलर थोड़ा अच्छा येलो आता है। ये हमने सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, बढ़िया तरह से इसको हमने फेंट लिया है। अब बारी आती है मैदा डालने की। इसके लिए हम एक छलनी लेंगे, उस पर हम मैदा डालेंगे, साथ में हम नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को डाल देंगे और सभी को इकट्ठे हम छानेंगे। ऐसा करने से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर पूरे केक के बैटर में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। अब हम केक के मिक्सचर को फोल्ड करना शुरू करेंगे। यहाँ हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपस में मिलाएंगे। मैदे को हम इस तरह से मिलाएंगे, इसको हम बीटर की हेल्प से बीट नहीं करेंगे, अच्छी तरह से इसको एकदम लम्प्स फ्री मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थिक टेक्सचर का ये एक पेस्ट बन गया है। अब इसमें हम दूध मिलाना शुरू करेंगे और दूध डालते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये बात मैं बार बार आपको बताती हूँ कि फ्रिज में रखा हुआ या गर्म दूध हमें नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पर हमें दूध लेना है। ये करीब 1/4 कप दूध मैंने सारा डाल दिया है। अगर आपको बनाते हुए लगे टेक्सचर थोड़ा इस तरह से स्मूथ नहीं हुआ है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध और यूज कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम टिन में पोर कर देंगे। इसको हम 2 बार टैप करेंगे जिससे ये ढंग से लेवल भी हो जाए। उधर हमने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर गर्म होने के लिए पहले ही लगा दिया है। अब केक को हम ओवन में रखेंगे, माइक्रोवेव में रखेंगे इसको और इसको लगभग 45 मिनट तक हम बेक करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से केक बेक हो रहा है। निकाल लेंगे और इसको एक बार हम चेक करेंगे। इस तरह से अगर हमारे इस पर कुछ नहीं लगा हुआ केक का पीस आ रहा है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है, इसको डीमोल्ड कर लेंगे। आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा।
और इसको हम बटर पेपर हटा देंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने बनाए केक की फोटो पर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें। ये बढ़िया केक तैयार हो गया है। परफेक्ट टेक्सचर बना है, क्रस्ट भी इसकी बहुत अच्छी सिकी है। अब मैं इसको देखिए काट कर इसका स्पंज अभी आपको चेक करा रही हूं। बहुत बढ़िया, एकदम स्पंजी केक तैयार हुआ है। कलर भी येलो एकदम परफेक्ट आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं।